हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टीनिया सोलेम या टेप वर्म। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इस डिजीज का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके अलावा इसका हैबिटेट कहाँ पर ये हैबिटेट करता है, कहाँ वास करता है। फिर हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सा किंगडम है, कौन सा फाइलम है, कौन सी इसकी स्पीसीज है, से बिलोंग करता है। फिर आ जाता है इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी कैसा दिखता है ये। फिर लाइफ साइकिल के बारे में हम इसके डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, कितने होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और फिर है इसका क्लिनिकल फीचर्स हैं, इससे जो डिजीज होती है उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम नज़र आते हैं। फिर हम देखेंगे इसका लैब डायग्नोसिस, कौन सा लैब डायग्नोसिस करते हैं इस डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए। फिर है इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इस डिजीज को होने से रोका जा सकता है। तो टीनिया सोलेम का मैं इस वीडियो में डिटेल से स्टडी कराने वाली हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो वास्तव में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में ये क्या होता है कि ये टीनियसिस डिजीज है, टीनिया सोलेम की वजह से क्या होती है, डिजीज होती है जिसको बोलते हैं टीनियसिस कहा जाता है। और एक होता है सिस्टिक सार्कोसिस भी होता है, वो क्यों होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो टीनियोसिस है वो क्या है, ये एक जूनोटिक डिजीज है एंड कॉज बाई टीनिया सोलेम एंड टीनिया सेजेनेटा। ये दो जो वर्म है उससे होती है, एक तो टीनिया सोलेम से होती है और एक होती है टीनिया सेजेनेटा। तो टीनिया सेजेनेटा है वो किससे होती है, बीफ से होती है। ठीक है, जो काउ होता है, काउ का जो वो होता है बीफ, उसको उसकी वजह से ये होती है। और जो टीनिया सोलेम है वो क्या होता है, पोक वर्म होता है। ये किस में पाया जाता है, पोक में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, काउ में पाया जाता है। एंड इट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, ह्यूमन एंड एनिमल। ये अपनी जो लाइफ साइकिल है टू होस्ट में कंप्लीट करता है, एक होता है मैन होता है, एक होता है एनिमल। ठीक है, एनिमल में क्या आ जाता है, जैसे टीनिया सेजेनेटा है तो इसके लिए एनिमल काउ हो जाएगा, और टीनिया सोलेम है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉक हो जाएगा, पिग हो जाएगा। ठीक है, टीनिया जो सोलेम है उसको क्या बोलते हैं, पॉक वर्म भी बोलते हैं। और जो ह्यूमन है वो क्या होता है, इसका डेफिनेट होस्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये अपनी जो सेक्सुअली लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन में कंप्लीट करता है। जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो किस में कंप्लीट होती है, इसकी एनिमल्स के अंदर होती है। इसके अलावा जो टीनिया सेजेनेटा फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज बीफ ईटन। ठीक है, जहां पर भी बीफ खाया जाता है वहां सभी में ये क्या पाई जाती है, टीनिया सेजेनेटा पाई जाती है। टीनिया सोलेम इज प्रेफर्ड टू बी एंडेमिक इन मेनी कंट्रीज। जो बहुत से कंट्रीज हैं उनमें टीनिया सोलेम एक एंडेमिक के रूप में भी पाई जाती है। एंडेमिक का मैंने बताई दिया कि एक ऐसी डिजीज जो पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में कंटिन्यूस बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज कहा जाता है। इसके अलावा जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, 8 से लेकर के 14 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ना मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो कैसा होता है इसका, थ्रू इंजेक्शन ऑफ अनकुक्ड बीफ एंड पोक। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किस तरह से ये फैलता है, वो बीफ की वजह से, बीफ खाने से, या फिर जो पोक होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जो मांस होता है इसका, सुअर का मांस या फिर गाय का जो मांस होता है उस, वो अनकुक अगर उसको इंजेस्ट किया जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज होती है। नाउ अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट कहाँ पर ये वास करता है। हैबिटेट में अगर देखा जाए तो पोक टेप वर्म है। ठीक है, ये लार्वा फॉर्म में होता है, किस में पाया जाता है, पिग में पाया जाता है। और इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एडल्ट वर्म लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये इसके हैबिटेट है, पोक के अंदर भी होता है और किस में होता है, ये ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है, किस में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो लार्वा फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, जिसको ऑन्कोस्फेयर बोलते हैं, वो किस में होता है, पॉक में होती है। और जो एडल्ट वर्म है वो किस में होता है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में वास करता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, जो टीनिया सोलेम है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले इसका किंगडम है, किंगडम इसका क्या है, एनिमेलिया है। फाइलम है इसका प्लेटीहेलमिंथीज है। क्लास इसकी सिस्टोडा। ऑर्डर है इसका सिफेलोफिलेडा है। फैमिली इसकी टीनिया टीनेडी है। जीनस इसका टीनिया है।
और जो स्पीसीज है वो क्या है, सॉलिम है, ठीक है, ये इसका हमने क्लासिफिकेशन राइट डाउन कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट अब आता है हमारे इसका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब इसका जो शेप साइज है वो किस तरह से ये टीन या सॉलिम दिखाई देता है उसका हम देखेंगे यहाँ पर। ये कैसा है, एडल्ट एंड फ्लैटन लाइक रिबन, किस तरह से दिखाई देता है, ये जो एडल्ट होता है वो रिबन के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेप वर्म भी कहा जाता है। नाउ कलर इसका क्रीमी कलर कैसे होता है, क्रीमी व्हाइट कलर का होता है और साइज इसका 2 से लेकर 4 mm तक होता है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक स्कॉलेक्स होता है, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है नेक होता है, और एक पार्ट होता है इसका थर्ड पार्ट है इसका स्ट्रोबेला होता है, ठीक है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। अभी हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं विद फिगर। तो साइज इसका 2 से लेकर 4 mm तक होता है। स्कॉलेक्स है, स्कॉलेक्स क्या होता है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कॉलेक्स, ये वाला पार्ट है इसका, ये क्या है, ये स्कॉलेक्स है ऊपर वाला ये। इसके बाद आ जाता है जो स्कॉलेक्स होता है, इसमें क्या होता है 25 से लेकर 50 हुक्स पाए जाते हैं, और क्या होता है इसमें 4 सकर्स होते हैं, ये है इसमें, ये इसमें ये हुक है, इसके बाद इसमें ये क्या होते हैं सकर्स होते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं रोस्टेलम कहा जाता है। 4 सकर्स होते हैं और इसको क्या बोलते हैं रोस्टेलम कहा जाता है, ये रोस्टेलम है एक। इसके बाद है नेक आ जाता है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसमें क्या होता है ये नैरोएस्ट पार्ट होता है, और कैसी होती है ये बडिंग जोन होता है, यहाँ से क्या होता है इसके पार्ट्स और डिवाइड होते रहते हैं। एंड कंटेनिंग जर्मिनेटिव, और इसमें क्या होता है नए नए इसमें जर्मिनेशन दूसरे क्या बनते रहते हैं, इसमें मेल फीमेल इसके सेक्स ऑर्गन से बनते रहते हैं, और नेक्स्ट जाकर के इसमें इसके पार्ट्स हो जाते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोबेला या फिर प्रोग्लोटिडिस। इसमें क्या होते हैं ये इसका सेगमेंटेड पार्ट होते हैं, और हर सेगमेंट में क्या होते हैं मेल और फीमेल सेपरेट सेपरेट होते हैं, हर सेगमेंट में आपको मेल और फीमेल इसमें दिखाई देंगे। इसके बाद जो इसका पार्ट होता है ये जो नेक के पास होता है वो क्या होता है इमेच्योर होता है, जिसको क्या बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिस बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये इसका पार्ट नीचे की ओर जाता है ये क्या हो जाता है मैच्योर प्रोग्लोटिस में डिवाइड हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद क्या बन जाते हैं इसमें ग्रेविड प्रोगैलोटिड्स बनते हैं, जिसमें क्या होते हैं एग्स होते हैं फर्टिलाइज एग होते हैं। जब ये ही क्या होते हैं ह्यूमन के फीसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ही ईजी है, सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स होते हैं मॉर्फोलॉजी में, स्कॉलेक्स होता है, नेक होता है, और स्ट्रोबेला या प्रोगोलेटिड होती है, ठीक है। प्रोगोलेटिड में इमेच्योर होती है, मैच्योर होते हैं, और ग्रेविड प्रोगोलेटिड्स होते हैं। जो इमेच्योर्स होते हैं नेक के पास होते हैं, जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं ये मैच्योर होते जाते हैं, और इसमें हर जो सेगमेंट होता है ये इसकी रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और हर सेगमेंट में क्या होते हैं मेल और फीमेल्स सेक्स ऑर्गन होते हैं। जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे क्या होते हैं और मैच्योर होते जाते हैं, और जब भी ये आपस में मैट करके क्या बनाते हैं ये एक अलग पार्ट में ग्रेविड प्रोगोलेटिड बनाते हैं, जिसमें क्या होते हैं फर्टिलाइज एग होते हैं, ठीक है। और ये इसका पार्ट हो गया कौन सा, स्कॉलेक्स हो ही गया इसका, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इसकी मॉर्फोलॉजी। फिर अब हम चलते हैं इसके नाउ अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। जो टीनिया सॉलिम है उसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, एक होता है पिग और एक है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और पिग में असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो जो ह्यूमन बींग्स है उसको क्या बोलते हैं डेफिनेट होस्ट कहा जाता है, और पिग को क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है दोनों होस्ट पे। इसकी वजह से टीनिया सॉलिम की वजह से 2 प्रकार की डिजीज होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक होती है टीनियसिस होती है, और एक होती है सिस्टी सर्कोसिस। तो सिस्टी सर्कोसिस कैसे होती है और टीनियसिस कैसे होती है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से चलते हैं फर्स्ट से, ठीक है। ये क्या है एग और ग्रेविड प्रोगोलेटेड इन फीसिस एंड पास इंटू एनवायरमेंट। ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उसने क्या किया स्टूल पास किया, फीसिस पास किया, उसमें क्या आ गए इसके प्रोगोलेटेड जो इसके सेगमेंट थे उससे एग पास हो गए एनवायरमेंट में। वो
एग जैसे ही एनवायरनमेंट में आए तो आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको वो क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, चाहे वो ग्रास हो चाहे और कुछ भी मटेरियल्स हो, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी हो, उनको क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। उसको फिर क्या करेगा, अगर पिग खाता है ठीक है, उस एग को क्या करेगा, अगर पिग खा लेता है, हम पिग वाली समझ लेते हैं पहले, पिग ने उस एग को क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, खा लिया उसकी, और ये कहाँ चला गया, इसके पिग के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर चला गया एग, ठीक है। अब वहां जाकर के क्या होगा, ये हैच होगा वहां पर, एब्न्यूजेनेटेड एग एंड ग्रेविड प्रोगोलेटेड इंजेस्ट बाय नॉर्मल इंटरमीडिएट होस्ट। इसने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, फिर ये कहाँ गया, यहाँ से जाकर ये चला गया किसमें, इसकी इंटेस्टाइनल में चला गया, और वहां से हैच होगा ये एग, और हैच होने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, ऑन्कोस्पियर लार्वा निकलेगा, और वो क्या करेगा, पेनिट्रेट इंटेस्टाइन वॉल, जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसको पेनिट्रेट करके एंड सर्कुलेट टू द मसल्स, और मसल्स के अंदर क्या होगा, चला जाएगा ऑन्कोस्पियर, ठीक है, ऑन्कोस्पियर चला गया उसके, वहां पर अब ये ऑन्कोस्पियर क्या होगा, मसल्स में डेवलप करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिस्टी सर्काई में डेवलप हो जाएगा मसल्स के अंदर। अब इस मसल्स को ह्यूमन बींग्स क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा एज ए पोर्क के रूप में, अगर उसके मांस के रूप में उसको खाएगा अनकुक किया हुआ, तो ये जो सिस्टी सर्किस है वो कहाँ चली गई, इसके ह्यूमन बींग्स के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में चली गई। वहां पर जाने के बाद ये जो सिस्टी सर्किस है वापस क्या होगी, डेवलप होगी। स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, केवल स्कॉलेक्स होता है, और ये जो हेड है इसका अंदर ही, इसके अंदर रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, इसमें ये डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन में, और ये कहाँ पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरी तरह से क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, जिसमें क्या होता है, सारे इसके पार्ट्स होते हैं, स्कॉलेक्स भी होता है, नेक भी होता है, प्रोगोलेटेड सेगमेंट भी होते हैं। जो इसका ग्रेविड जो प्रोगोलेटेड है उसमें क्या होते हैं, फर्टिलाइज एग होते हैं, वो फर्टिलाइज एग ह्यूमंस की फीसिस के थ्रू वापस से कहाँ जाते हैं, एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में आने के बाद वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये वाली तो हमने पिग वाली समझ ली है। अब क्या होता है कि ये जो इन्फेक्टेड एग है वो किसी फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, लीव्स के, उसके भी कॉन्टेक्ट में आएंगे, उनको क्या कर देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे। उनको जब ह्यूमन बींग्स क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, ठीक है, डायरेक्ट किसके रूप में, एग के रूप में उसको ले लेगा, ठीक है। एक तो किसके रूप में है, ह्यूमन बींग्स में सिस्टी सर्किस के रूप में है, इसके अलावा दूसरे रूप में किसमें आ सकता है, एग के रूप में इसने ह्यूमन बींग्स ने इंजेस्ट कर लिया। अब क्या होगा, जो एम्ब्रियोजेनेटेड एग है इंजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन के द्वारा इंजेस्टेड कर लिया इसको एग को, फिर क्या होगा, इसमें वापस से वही प्रोसेस होगी जो पिक के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हुई थी, वो इसके में हो जाएगी। क्या होगी, इसमें से एग में से ऑन्कोस्पियर हैच होगा एंड पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड सर्कुलेटेड टू मसल्स मस्कुलर, ठीक है। तो वही प्रोसेस इसके अंदर हुई, और कहाँ पर चला गया, ये मसल्स में वापस से चला गया, कौन चला गया, ऑन्कोस्पियर चला गया, ठीक है, जो एग में से हैच हुआ था, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जो प्रोसेस एग सॉरी इसमें पिग में हुई थी वो ही एग की किसमें होगी, जो ह्यूमंस के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें वही प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, इसमें वही डेवलप होंगे सिस्टी सर्काई में, डेवलप इन एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में क्या हो जाएंगे, सिस्टी सर्कस डेवलप हो जाएंगे, एंड फिर क्या हो जाएगी, वो डिजीज कॉज कर देगी, जैसे कहीं पर हो सकते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, ब्रेन है, आईज है, इसमें ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां पर क्या करने लग जाएंगे, डिजीज कॉज करने लग जाएंगे, और जो डिजीज होगी उसको क्या बोलेंगे, सिस्टी सर्कोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि एक होता है टीनेसिस किस तरह से होता है और सिस्टी सर्कोसिस किस तरह से होता है। टीनेसिस कब होगा, जब ह्यूमन बींग्स इसके जो पोर्क है उसको इंजेस्ट करेगा, जिसके अंदर क्या होंगे, ऑन्कोस्पियर डेवलप होंगे, और जो सिस्टी सर्कस उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में चले जाएंगे, वो डेवलप होकर के फिर दोबारा से क्या बनाएंगे, ये एग फॉर्म करेंगे। लेकिन जब ह्यूमन बींग्स सीधे ही एग को क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा, तो वो एग वापस से क्या होंगे, डेवलप होंगे ह्यूमन बींग्स के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो ऑन्कोस्पियर में बनेंगे, ऑन्कोस्पियर से फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिस्टी सर्काई में डेवलप हो जाएंगे, जो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टी सर्कोसिस कहते हैं। तो इस तरह से इसकी क्या है, एक लाइफ साइकिल है टीनिया सोलेम की, किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है दो होस्ट के अंदर, और इससे जो डिजीज होती है उनको भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, सिस्टी सर्कोसिस और टीनियसिस, ठीक है। आपको इसकी लाइफ साइकिल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी,
फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इस डिजीज से कौन कौन से साइन सिम्टम नजर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये एक एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं स्टार्टिंग में। फिर इसमें क्या होता है, जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, एनोरेक्सिया है, वॉमिटिंग है और इंजेशन है, मतलब इसमें डाइजेशन नहीं हो पाता अच्छी तरह से। इसके अलावा सेरिब्रल डैमेज एंड एपिलेप्सी ड्यू टू सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है, ये वाले इसमें साइन सिम्टम नजर आने लग जाते हैं सिस्टिसर्कोसिस की वजह से और ये टीनिया सिस की वजह से इसमें नजर आते हैं, जैसे एसिम्प्टोमेटिक सब स्टार्टिंग में। इसके अलावा है इसमें एब्डोमिनल है, एनोरेक्सिया है, वॉमिटिंग है और इनडाइजेशन है, ये सारे जो साइन सिम्टम है वो किसकी वजह से होते हैं, टीनियसिस की वजह से होते हैं। और जो सेरिब्रल डैमेज हो जाते हैं, एपिलेप्सी है, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं, सिस्टिसर्कोसिस की वजह से हो जाते हैं। ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर्स है, इन्फ्लामेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन फॉलोइंग कंडीशन में आकर एपिलेप्सी, हाइड्रोसिफेलस ब्रेन को इफेक्ट करता है और साइकेट्रिक डिजीज इससे हो सकती है। ये सारे जो डिजीज है वो सिस्टिसर्कोसिस की वजह से होती है और ये जो ऊपर वाली जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, टीनियसिस की वजह से होती है। ये कुछ इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब हम देख लेते हैं इसका लैब डायग्नोसिस, कौन कौन से इसमें इसको डायग्नोसिस करने, इसको डिजीज का पता लगाने के लिए कौन कौन से लैब डायग्नोसिस किए जाते हैं। तो डायरेक्ट फीकल एग्जामिनेशन करके भी इसको हम पता लगा सकते हैं, ब्रेन फ्लोटेशन टेक्निक का यूज करते हैं इसमें, ब्राइन फ्लोटेशन टेक्निक है, सेलोफेन टैप टेक्निक है, इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वाले जो वीडियो है उसमें डिटेल से स्टडी करवा रखा है कि किस तरह से सेलोफेन जो टैप टेक्निक है, जिसको दूसरा नाम भी और है इसका स्कॉच स्वाब टेक्निक है, उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसमें सैंपल लिए जाते हैं और फिर उसका लैब डायग्नोसिस किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है किस तरह से स्कॉच स्वाब टेक्निक यूज करते हैं, वो हमने पिनवर्म में लिया था कि पिनवर्म के अंदर अगर किसी बच्चे में पिनवर्म हो जाते हैं तो उसमें जो हम सैंपल कलेक्शन करते हैं स्कॉच स्वाब टेक्निक से, तो वो किस तरह से करते हैं उसका मैंने वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे, सीटी, एमआरआई, इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसका लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा इसमें ट्रीटमेंट लिया जाता है। मोस्टली इसमें हम क्या लेते हैं, एल्बेंडाजोल दिया जाता है और पाराजेंटिक्वेंटल इसमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के थ्रू। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब हम देखते हैं इसका कुछ प्रिवेंशन, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हेल्थ एजुकेशन दे करके रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी लैटरिन, अवॉइड ईटिंग रॉ पोर्क, अवॉइड पिग ईटिंग ह्यूमन स्ट्रॉल, सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। इसके अलावा ये कुछ और हैं यहाँ पर प्रिवेंशन के लिए, ऑलवेज यूज टॉयलेट एंड प्रिवेंट पिग फ्रॉम रोमिंग फ्री, ठीक है, जैसे घूमते रहते ना पिग वगैरह तो उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। गो टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल, जब भी इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जरूर जाना चाहिए। वॉश हैंड एंड कुक पॉक वेल, जो भी पॉक यूज करते हैं उसको अच्छी तरह से कुक करके ही यूज में लेना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई थिंक आपको पसंद आया है वीडियो और आपको लगता है ये नॉलेजेबल है हमारे लिए, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।